ब्रेक के बाद भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर उनके जन्म की खुशियां मनाई जाती है, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके जन्म पर उनके माँ बाप खुशियां मनाना तो दूर उन्हें अपने पास भी रखना नहीं चाहते। पेश है जोधपुर से एक स्पेशल रिपोर्ट। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन जहां मंदिरों में खूब चहल पहल रही, लोग भगवान के जन्म की खुशियां मनाने के इंतजार में थे, वहीं एक बच्ची अपने लड़की होने का दंश झेल रही थी, झाड़ियों में पड़ी। रामदेवरा के मेले में तालाब किनारे पड़ी मिली थी ये 6 महीने की बच्ची, जिसे छोड़ते समय उसके माँ बाप ने उसका ख्याल कर कपड़े भी पास में रख दिए थे। लेकिन क्या इन्हीं कपड़ों से इस मासूम की जिंदगी बसर होगी, ये नहीं सोच सके और उसे कर दिया भगवान के हवाले। जब तालाब पर नहाने जाते लोगों को इसकी आवाज सुनाई दी, तब लोगों का ध्यान बच्ची की ओर गया। बच्ची मिली थी रामदेवरा जो तालाब है, रामसर तालाब है, उस झाड़ियों के पास में मिली थी रोती हुई। तो वहाँ के एक जो यात्री था रामदेवरा का, उसने देखा रोते हुए, फिर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि एक यहाँ पर लावारिस बच्ची रो रही है। कान्हा भी जब पैदा हुए थे तो ऐसे ही तो थे, उनको भी तो उनकी माँ ने 9 महीने अपनी कोख में रखा था, देवकी ने भी तो वही पीड़ा सही थी। तब इस बच्ची की माँ की ममता उसे छोड़ते समय क्यों नहीं जागी? अब फिलहाल बच्ची को बालिका गृह भेज दिया गया है। बाल कल्याण समिति को जैसे इसकी सूचना मिली तो हमने तुरंत चाइल्ड लाइन को इंस्ट्रक्ट किया कि वहाँ से जाकर उस बच्ची को पिक करें और उस बच्चे का जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सके वो शुरू करवा दें। बच्ची का हाथों हाथ मेडिकल करवाया गया और चूंकि जैसलमेर जिले में लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आगे भी हमने कुछ बच्चियों को जोधपुर सेटल कर रखा है। तो हमने जोधपुर में जो सरकारी बालिका गृह बना रखा है सरकार ने, उस बालिका गृह में बच्ची को सेटल करने के आदेश जारी किए। जेल में जन्म के बाद भगवान कृष्ण को माँ देवकी से बिछड़ना पड़ा तो उन्हें यशोदा के आंचल की छांव मिली, लेकिन इस बच्ची को कौन देगा अपने आंचल की छांव, कौन यशोदा इसे देगी अपने ममता का सहारा? प्रदीप जोशी, सहारा न्यूज ब्यूरो, जोधपुर।